आज हम बनाने वाले हैं कलाकंद और इन्हें पेड़ों के नाम से भी जानते हैं। घर पर ही बनाएंगे, हलवाई से भी बेटर बनाकर, क्योंकि ये हेल्दी भी है और टेस्टी भी और बहुत ही कम टाइम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। सबसे पहले गैस पे एक पैन ले लेंगे, नॉनस्टिक पैन ले लें ताकि जब हम बनाएं तो वो बिल्कुल चिपके नहीं। 2 कप फुल क्रीम दूध सबसे पहले इसमें ऐड कर देंगे, दूध हम फुल क्रीम ही लेंगे। अब उसको धीरे धीरे मीडियम फ्लेम पर जब ये पकना शुरू हो जाएगा तो चम्मच से इसे चलाएंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे इंग्रेडिएंट्स। तो यहाँ पर 1/2 टीस्पून के करीब मैंने यहाँ पे इलायची पाउडर लिया है। उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये अच्छे से दूध में मिक्स हो गया है। अब इसमें हम शुगर ऐड कर देंगे। तो 2 कप मैंने जो मिल्क लिया है उसमें मैंने 1/2 कप के करीब शुगर ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अब शुगर को भी अच्छे से इसमें घोल देंगे ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 3 टेबल स्पून के करीब मैंने थिक मलाई ली है। ये दूध पे जो मलाई आती है वही है, घर की जमी हुई, चाहे तो आप इसकी जगह क्रीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको अच्छे से दूध में मिक्स कर लेंगे ताकि अच्छे से घुल जाए, कोई लम्स ना रहे। तो कंटिन्यूसली चलाना है इसे, ये अच्छे से मिक्स हो गई है, बॉयल सा आने लगा है। तो अब इसको हम पकने के लिए साइड में रख देंगे ताकि ये लगातार पकती रहे। और हम यहाँ पर पनीर कद्दूकस कर लेंगे। तो यहाँ 200 ग्राम पनीर लिया है मैंने, यहाँ इजीली मार्केट में मिल जाता है। और इसको कद्दूकस कर लेंगे मोटी वाली साइड से। कद्दूकस करने के बाद इसे हाथों से अच्छे से मैश करेंगे ताकि जो इसका स्मूथ टेक्सचर बनकर तैयार हो, जैसे कि हम डो बनाते हैं उसी तरीके से हम इसे मैश करेंगे। तो ये 4 से 5 मिनट में आप ये देख सकते हैं, ये काफ़ी अच्छे से स्मूथ हो गया है। तो चलिए इसे ऐड कर देते हैं मिल्क में। और ये देखिए हमारा मिल्क भी पकते पकते ऑलमोस्ट 1/2 क्वांटिटी हो गया, और इसकी थिकनेस आप देख सकते हैं काफ़ी थिक हो गया है। अब इसमें हम पनीर डाल देंगे। पनीर को अच्छे से मिक्स करेंगे स्पैचुला की मदद से और फ्लेम को हम लो कर लेंगे, कोई भी लम्स ना रहे। अच्छे से मिक्स करेंगे इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर और लगातार चलाते जाएंगे। तो ये देखिए अच्छे से पनीर इसमें मिक्स हो गया है। अब इसी के साथ हम इसमें ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर अगर नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे इसका टेक्सचर बहुत क्रीमी और सॉफ्ट बनता है। तो फ्रेंड्स अगर है तो आप ज़रूर ऐड करें। अब इसको मीडियम फ्लेम पर ही कंटिन्यूसली हमें पकाना है जब तक कि इसका जो टेक्सचर है वो दानेदार ना हो जाए। तो ये देखिए 5 से 10 मिनट हमने इसके मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए पकाया है, और आप अब देख सकते हैं इसका टेक्सचर बिल्कुल दानेदार और बहुत ही अच्छा बना है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको हम शिफ्ट कर देंगे किसी प्लेट में। अभी ये बहुत गर्म है तो इसको ठंडा होने देंगे कम से कम 5 मिनट के लिए। तो इसको ठंडा करेंगे तभी हम इसके पेड़े बनाएंगे। पांच मिनट ठंडे होने के बाद अब ये देखिए हाथ से हम इसे अच्छे से टच कर सकते हैं। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लें ताकि ये जो टेक्सचर है इसका अच्छे से स्मूथ हो जाए, और हाथ से ऐसे मलते हुए इसके पेड़े के शेप बना देंगे। आप मन चाहिए जैसी चाहें वैसे शेप इसकी बना सकते हैं। तो ये देखिए बड़ा ही स्मूथ और टेस्टी सा पेड़ा बनके तैयार हो गया है। इसी तरह से हम सारे पेड़े बनाकर तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स बहुत ही आसानी से घर में बहुत ही इजी इंग्रेडिएंट्स के साथ आप घर पे बना सकते हैं। घर में बनी मिठाई हेल्दी भी होती है और टेस्टी भी। फेस्टिवल सीजन में घर में बनाएं बहुत ही मज़ेदार बनती है। अब इसके ऊपर हम ऐड करेंगे फूड कलर, ये ऑप्शनल है। 1 पिंच फूड कलर लिया है मैंने ऑरेंज, और उसमें 1 टेबल स्पून के करीब पानी डालकर इसको मैंने तैयार किया है, और इसे फिंगर की मदद से इस पे लगा देंगे। मार्केट में अक्सर इसी तरह से लगाया जाता है। इसके ऊपर ये मैंने बादाम कद्दूकस कर लिए हैं, आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके ऊपर से इसे गार्निशिंग करेंगे। तो बहुत ही टेस्टी और मुंह में घुल जाने वाले पेड़े बनकर तैयार होते हैं फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें बगैर ना जाएं, और बेल आइकन को तो प्रेस कर दें ताकि जब भी कभी नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। अब आप इसका टेक्सचर भी देख लीजिए, देखिए कितना सॉफ्ट है और कितना अच्छा दानेदार टेक्सचर बनकर तैयार हुआ है। तो इस फेस्टिवल सीजन पे घर पे बनाइए, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। हम अब आपसे मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।